वेलकम अंजुम के किचन में, वेलकम। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे साथ खाना बनाना चाहते हैं तो जल्दी से थम्स अप दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो चलिए, आज डाइट मेनू में हम बनाने जा रहे हैं चिल्ली चिकन। तो ये चिल्ली चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, और यहाँ पे 6-7 जवे लहसुन के हैं, और इसमें 2-3 हरी मिर्ची जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पर हमने ले लिया कैप्सिकम। कैप्सिकम जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस चिल्ली चिकन में, तो इसे हम इस तरीके से क्यूब की शक्ल में इसे काट लेंगे हम, ताकि ये खूबसूरत लगे। ऐसे क्यूब क्यूब से काट लिया हमने, तो चलिए इसे इस तरीके से काट लेंगे हम। यहाँ पर हमने ले लिया है प्याज। प्याज को हमें चंक्स काटना है, तो आप इसे इस तरीके से 4 टुकड़े करिए। 4 टुकड़े करने के बाद आप इसे इस तरीके से सेपरेट कर लीजिए। आपको इस तरीके से सेपरेट कर लेना है ताकि बड़े बड़े से चंक्स इसके प्याज के निकल जाएं। तो इसे भी हम इस तरीके से सब कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे ले लिया है हरी प्याज। तो हरी प्याज का जो यहाँ का पोर्शन है, व्हाइट वाला पोर्शन, इसे हम अलग कट कर लेंगे। ये चला जाएगा इस प्याज के साथ, और ये जो ग्रीन वाला है ये हम यूज कर लेंगे गार्निश के लिए। तो चलिए हम जल्दी से कट करते हैं और फिर हम आपको तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी सारी चीजें तैयार हो गई। कैप्सिकम को हमने क्यूब्स में काट लिया है, और यहाँ पर अदरक लहसुन और इसको चॉप कर लिया है। यहाँ पर हमने इस तरह से ग्रीन चिली कट कर लिया है, और यहाँ पर हमने प्याज के चंक्स कट कर लिया है। तो चलिए अब चिकन ले लेते हैं। चिकन हमने लिया है यहाँ पे 100 ग्राम। इसे हमने इस तरीके से क्यूब्स में बाइट साइज पीसेस कट करना है ताकि वो देखने में भी अच्छे लगे। हमने यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट लिया है क्योंकि ये डाइट मेनू का बन रहा है। अगर आप चाहें तो इसे थाई वगैरह का भी आप ले सकते हैं। तो ये 100 ग्राम गिना हुआ है। तो चलिए ये भी कट गया, चलते हैं और इसे बघारते हैं। तो चलिए जल्दी से जो चिकन है उसे हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो एक बाउल ले लिया है, इसमें हम ये सब चीजें डाल देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं हसबे जायफा नमक, जो कि 1/2 टीस्पून हम यहाँ पे डाल रहे हैं, क्योंकि आगे सोया सॉस डलेगा और सोया सॉस में भी थोड़ा सा नमक होता है। यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, ये चला गया। यहाँ पर डाल रहे हैं हम विनेगर, जो कि 1 टेबल स्पून है, ये चला गया। यहाँ पे डार्क सोया सॉस का एक्सेस है हमारे पास, हम इसको कट करके डाल दे रहे हैं। तो ये हमने पूरा 1 सैशे डाल दिया डार्क सोया सॉस का। यहाँ पे चिली सॉस का भी सैशे है, उसको भी हम डाल देते हैं। तो ये लीजिए, ये भी डाल दिया। आपकी मर्जी, आप कोई सा भी चिली सॉस यूज कर लें जिसमें एकदम से शक्कर कम हो, लो शुगर वाला। तो ये सारी चीजें इसमें चली गई। अब इसे अच्छे से मिला के इसे मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। वैसे तो हमेशा ये है कि जितना ज्यादा रखें आप उतना ही अच्छा है, लेकिन अगर वक्त नहीं है तो 20-30 मिनट भी काफी हैं। तो चलिए हम सिर्फ 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं। तो चलिए हमने अपने गैस को ऑन कर दिया है। गैस जो है हमारा हाई फ्लेम पे है। जब भी कोई चाइनीज चीजें बनेंगी आपकी हाई फ्लेम पे ही बनेंगी, आप ये ख्याल रखिएगा, क्योंकि रेस्टोरेंट होटल में बहुत ज्यादा हाई फ्लेम होता है। तो यहाँ पर हमारी कढ़ाई अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी है। चलिए इसमें हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। दोस्तों ये डाइट मेनू का बन रहा है, तो आप इसमें 1 टेबल स्पून घी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बटर, या नारियल का तेल, या ऑलिव ऑयल। तो इसमें 1 टेबल स्पून चला गया। इसे अच्छी तरीके से गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एकदम हाई फ्लेम पे धुआं उठ रहा है, शायद आपको दिख नहीं रहा हो। चलिए इसमें ऐड कर देते हैं हम अदरक लहसुन और हरी मिर्ची। एकदम तेज आंच पे पकाना है हमें इसे, और इसकी जो लहसुन की जो खुशबू है वही मेन चीज होती है ये चाइनीज चीजों में। वैसे चाइनीज का तरीका तो अलग होता है, लेकिन ये चीज जो बन रही है, इंडिया में इंडिया टच होता है, पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोग टच दे देते हैं। तो बस देखिए, हमें अच्छी सी प्यारी सी खुशबू यहाँ पे आ रही है। तो देखिए ये हो गया है थोड़ा थोड़ा सा ब्राउनिश, और बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। जल्दी से ऐड कर देते हैं इसमें हम चिकन, जो मैरिनेट करके रखा हुआ था 20 मिनट से। तो देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है, और काफी हद तक, क्योंकि चिकन ब्रेस्ट बिल्कुल भाप में ही गल जाता है, तो ये सॉफ्ट भी हो चुका है। देखिए बिल्कुल भी सॉफ्ट हो गया है। चलिए जल्दी से ऐड कर देते हैं हम हरी प्याज का जो वाइट पोर्शन था वो डाल दिया हमने इसमें, और हम इसमें डाल देते हैं कैप्सिकम, डाल देते हैं प्याज के चंक्स,
अब दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको क्रंची क्रंची चाहिए तो आप इसे लास्ट में डालें, अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा नरम नरम से हो जाए तो आप इसे जल्दी भी डाल सकते हैं, और हमें यहाँ क्रंची क्रंची पसंद है तो बस हम इसे इस वक्त आखिरी में डाल रहे हैं, क्योंकि जो कैप्सिकम होती है बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाती है। तो बस 2 मिनट तक और इसे हम पकाएंगे, जब तक इसके अंदर के थोड़े से जूस ना निकल जाए। तो ये लीजिए, बिल्कुल भी हमारा तैयार है यहाँ चिकन चिली, मज़ेदार से बना है। अब क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्याज ऐड हुई है और थोड़े से कैप्सिकम ऐड हुए हैं, और थोड़ी सी हम डाल रहे हैं इसमें हरी प्याज, और बाकी सब गार्निश में डालेंगे, तो उस मुताबिक हम थोड़ा सा डाल रहे हैं इसमें काली मिर्च का पाउडर, जो कि समझिए आधा टीस्पून है, और यहाँ पे हम डाल रहे हैं बहुत थोड़ा सा 2 पिंच के करीब नमक कैप्सिकम और प्याज के लिए। ये हो गया। अगर आप इस वक्त चाहते हैं कि ये ग्रेवी रखना चाहते हैं आप, तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके और फिर आप उसकी स्लरी बना के डाल सकते हैं, लेकिन ये बन रहा है डाइट मेनू के लिए, तो इसमें हम स्लरी यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस इसी तरीके से जाएगा ये सूखा सूखा सा। तो चलिए चिकन चिली रेडी है, इसे डिश आउट करते हैं और आपको बताते हैं। तो ये लीजिए चिली चिकन हाजिर है, नौश फरमाइए, और बहुत आसान तरीके से बनाना बताया है, ताकि जो भी बच्चे हों बच्चियाँ हों बहुत आसान तरीके से इसे बना लें। हम थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन से इसे गार्निश कर देते हैं, ताकि मज़ा भी आ जाए और खूबसूरत भी लगे। तो लीजिए हाजिर है दोस्तों, आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। तो हम आपसे फिर मिलते हैं एक नई आसान सी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।